आज हम एक्सरसाइज 3.3 के पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में x प्लस एक्स और y को निकालना होगा। तो चलिए पहला करते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस y इक्वल टू 14 को हम इक्वेशन 1 ले लेंगे और x माइनस y इक्वल टू 4 को इक्वेशन 2 ले लेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में से एक में से हम x और y कौन सा भी एक ही लेंगे। इसके लिए हम पहला इक्वेशन से x निकालेंगे, x इक्वल टू 14 माइनस y। उसके बाद इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। उसके बाद 14 माइनस y माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन इसमें से आया। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, उसके बाद माइनस 2 4, ये 14 उधर चला गया, माइनस 14 होगा। उसके बाद y इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। उसके बाद ये y को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में से कोई भी एक में पुट करना है, इसलिए हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखेंगे। उसके बाद x प्लस 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 9 आ गया। उसके बाद हम करेंगे 2 को s माइनस t इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। इसमें से हम s और t फाइंड करेंगे। ये देखिए, इसको हम पहला इक्वेशन ले लेंगे और इसको दूसरा, ये दूसरा को सॉल्व करेंगे हम 2s प्लस 3t बाई 6, ये दोनों गुना होके 6 बनता है, इसलिए हम यहाँ पर 6 लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे। उसके बाद s हमारा आ गया s इक्वल टू 3 प्लस t, ये हमारा आया इक्वेशन 1 में से, ये हम s को निकाले हैं। उसके बाद हम ये पुट करने वाले हैं, इस s को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और 3 में, किस में भी एक में पुट करना है। इसके लिए हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, यहाँ पर हो गया 2, s का वैल्यू 3 प्लस t हो गया, यहाँ पर s का जगह पर 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36, इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t, ये गुना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू t 2t। इसके बाद 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, यहाँ पर t आ जाएगा 6। उसके बाद 6 माइनस टी इक्वल टू 3, ये कैसे आएगा, ये पहला था, पहला हमारा इक्वेशन एक जो था ये है ये। उसके बाद ये टी को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, s माइनस 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9 आ गया, s इक्वल टू 9 टी इक्वल टू 6। उसके बाद हम करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको हम वैसे ही, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। उसके बाद हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आ गया, इसमें से को 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बचा 3x माइनस वाई, यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये 3 इधर आ जाएगा नीचे बाई 3, ये गुना है कि यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा तो बाई हो जाएगा 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पर इक्वेशन 3 दे देंगे। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 ये दोनों सेम है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, और x कैन टेक एनी वैल्यू, इसका मतलब है
इसको हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये दोनों सेम ही आएगा। इसके लिए इसको एक इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं।